हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्रवण लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सभी क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। मेरा नाम मिलन मिश्रा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। तो प्यारे साथी, आपका क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे साथी, अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में कह रहा है, आप देखेंगे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जो स्थितियां यहाँ पर कोई समीकरण दिया गया है, इन्हें हमें क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, उन्हें हल नहीं करना है, सिर्फ उनके समीकरण रूप में लिखना है। अब प्यारे साथी, चलिए अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, जो कि पहला प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। यानी कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो मीटर में है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए सिर्फ हमें समीकरण ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई की वैल्यू नहीं पता करनी है, क्योंकि ये अभी इंट्रोडक्शन है द्विघात समीकरण का। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें सिर्फ आपको समीकरण लिखने के बारे में बताया गया है। तो प्यारे साथी, क्योंकि हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, तो हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल की बात करें प्यारे साथी, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। कितना है प्यारे साथी, 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई तो हमें पता नहीं है, तो हम लिख देंगे माना क्षेत्र की चौड़ाई, क्षेत्र की चौड़ाई, माना क्षेत्र की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, एक्स मीटर यानी एक्स मीटर है क्षेत्र की चौड़ाई, हमने चौड़ाई मान लिया। अब यहाँ पर कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो लंबाई क्या होगी, अब हम लंबाई का मान ज्ञात करेंगे। तो लंबाई की बात करें तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी कि जो चौड़ाई है एक्स, इसके दोगुने से एक अधिक है, यानी कि 2x+1 मीटर हो गया ये, हमें चौड़ाई लंबाई सब पता चल गया है। अब आप प्रश्नानुसार देखेंगे कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्यारे साथी, अगर आप जानते होंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा भूखंड है, आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा भूखंड है जो आयताकार है, जिसकी लंबाई की बात करें, अगर हम प्यारे साथी यहाँ पर इसके लंबाई की बात करें, मान लीजिए ये आपका लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई हमारी क्या है, 2x+1 मीटर है, और चौड़ाई हमारी क्या है प्यारे साथी, चौड़ाई इधर लिख लेते हैं, चौड़ाई हमारी x मीटर है, एक्स एम हमने लिख दिया, यानी कि x मीटर है, लिख देता हूँ x मीटर। तो चौड़ाई हमारी x मीटर है, लंबाई हमारी 2x+1 है। अब आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आई होप आप सभी जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लिखेंगे प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कैमरा सही कर लें, हाँ हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्यारे साथी अगर हम लिखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है प्यारे साथी, आप जानते होंगे, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। अब आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 528 मीटर स्क्वायर, तो 528 हमने लिख दिया, लंबाई हमें क्या दी गई है, 2x+1 2x+1, और चौड़ाई हमें क्या दी गई है, x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो प्यारे साथी ये क्या हो जाएगा, x का अंदर गुणा होगा, तो ये 528 ऐसे रहने दो, इक्वल टू हो जाएगा 2x² प्लस एक्स का वन में गुणा एक्स, इतना हो जाएगा। अब प्यारे साथी हम क्या करेंगे कि 528 को इधर लेकर आएंगे, इसे हम इधर लेकर आएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 2x²
प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू जीरो प्यारे साथी। यानी कि हमें कुछ ऐसा इक्वेशन प्राप्त हुआ, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। और यही आपका प्यारा सा आंसर है। एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इतने आसान तरीके से मैंने आपको इसका इक्वेशन पता कर लिया। अब इसके आगे हमें लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात करनी थी, सिर्फ यहाँ पर आप प्रश्न देखेंगे तो कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है, उनके मान नहीं ज्ञात करने। तो हमने समीकरण पता चल गया कि 2x² प्लस एक्स माइनस 528। तो पहला प्रश्न हमारा यहीं पर सॉल्व होता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा कि दो क्रमागत पूर्णांकों, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि दो कोई क्रमागत पूर्णांक है जिनका गुणनफल 306 है, तो हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन पता करना है। तो हमें पता नहीं है कि पूर्णांक कौन से हैं, तो हमने मान लिया, माना पहला पूर्णांक इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान लिया, पहला पूर्णांक हमने मान लिया एक्स। अब हम दूसरा क्या मान लें, क्योंकि पूर्णांक क्या है, क्रमागत है, तो हमने दूसरा पूर्णांक मान लिया प्यारे साथी, दूसरा पूर्णांक एक्स प्लस 1 मान लिया। तीसरा होता तो एक्स प्लस 2 मान लेते। हमने मान लिया कि दूसरा पूर्णांक हमारा क्या है, एक्स प्लस 1 है। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न में कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न कह रहा है प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अगर हम देखें प्यारे साथी, तो यहाँ पर x इंटू इनका गुणनफल, यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इनका गुणनफल क्या है, 306 के बराबर है प्यारे साथी। यहाँ हमने गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, यानी x और x प्लस 1 का गुणा 306 के बराबर है, जो दो क्रमागत संख्याएं, पहली संख्या x थी, दूसरी x प्लस 1 थी, दोनों का गुणा 306 के बराबर है। इसे सॉल्व कर लीजिए, x का अंदर गुणा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस x का एक में गुणा हुआ x इक्वल टू 306। इसे सॉल्व करिएगा, और तो इधर इसे हम इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। और ये आपका क्वेश्चन प्राप्त हो गया, और यहीं पर हमारा ये वाला प्रश्न भी सॉल्व होता है एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं रखा है, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया ये भी प्रश्न। तो ऐसे ही सॉल्व करते चलना है, इन प्रश्नों को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथी, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाता है। हमें रोहन की आयु यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए एक इक्वेशन ज्ञात करना है। इन प्रश्नों को हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इक्वेशन पता करना है, जैसा कि कहा गया था। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो पहले हम मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु, हमने मान लिया माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु बराबर एक्स वर्ष, हमने रोहन की आयु एक्स वर्ष मान ली। और कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, तो हम लिखेंगे माँ की आयु। अब जब रोहन की आयु एक्स वर्ष है और उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि एक्स प्लस 26 वर्ष हो जाएगी उसकी माँ की आयु, यानी कि रोहन की आयु में जब हम माँ की आयु जोड़ देंगे जितनी वो बड़ी है, तो हमें उसकी आयु पता चल जाएगी। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो यानी अब हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, अब हम पहले पता कर लेते हैं कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु। तो प्यारे साथी अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आप 16 साल के हैं, आपसे कहूं कि 3 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप 16 में 3 जोड़ देंगे, कहेंगे 19 साल हो गई। तो वैसे ही रोहन की आयु x है, अगर 3 साल बाद उसकी आयु पूछी जाए तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, सीधी सी बात है। ऐसे ही उसकी माँ की आयु अगर हम बात करें, माँ की आयु 3 वर्ष बाद की, ये नीचे इसे उतार लीजिएगा, माँ की आयु 3 वर्ष बाद की बात करें, तो माँ की वर्तमान आयु क्या है, x प्लस 26 है।
3 साल बाद और कहा गया है, यानी कि x प्लस 26 प्लस 3 साल जो बाद है वो लिख दिया हमने। इसे सॉल्व करेंगे तो x और 26 3 29 वर्ष हो जाएगी। अब प्यारे साथी प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 3 वर्ष उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्यारे साथी, अगर हम प्रश्न के अनुसार की बात करें कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे साथी कि दोनों का गुणनफल आयु का, यानी कि 3 वर्ष पश्चात इसकी आयु का, रोहन की आयु का, और उसकी माँ की आयु का गुणनफल जो है किसके बराबर है, 360 के बराबर है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा इक्वेशन पता चल जाएगा। तो पहले हम x का अंदर गुणा कराएंगे प्यारे साथी, x का x में गुणा हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, x का x में गुणा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस x का 29 में तो 29x हो गया। अब 3 का अंदर हुआ तो 3x हो गया, और 3 का अंदर हुआ तो प्यारे साथी क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, जब हम इस 3 का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 3 9 27 के साथ 2 हासिल ऊपर आई, और 3 2 9 6 2 8 87, 29 3 यानी 3 9 27 के साथ 2 हासिल ऊपर आई, 3 2 9 6 2 8, 360 हो गया प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32 हो जाएगा x, और प्लस का 87, ये 360 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 360 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 360 में से जब हम 87 को घटाएंगे प्यारे साथी तो आएगा हमारा माइनस का 273, ये माइनस का 360 था तो 273 इक्वल टू 0, और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथी, यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ये हमें क्या पता चल गया, इक्वेशन पता चल गया, क्योंकि और हमें ज्ञात नहीं करना था, हमें सिर्फ इसका इक्वेशन ज्ञात करना है जैसा कि प्रश्न ने बोला है, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती किमी होती सॉरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे, ये 3 लिखा हुआ है, 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, हमें चाल नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। अब प्यारे साथी रेलगाड़ी की चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, दूरी क्या दी गई है यहाँ पर कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 480 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 480 मीटर। तो अगर हम बात करें प्यारे साथी, आगे कह रहा है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा जब हम कम करते हैं तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। समय की बात कही है, यानी कि हमें समय ज्ञात करना होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में आखिर रेलगाड़ी ने कितना समय लिया, तो हम लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय प्यारे साथी। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में रेलगाड़ी को लगा समय क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो आपको पता होगा कि समय का एक फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा कि चाल बराबर क्या होता है, आपको पता होगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर हम समय की बात करें तो पक्षांतर होगा, ये चाल गुणे समय हो जाएगा, इस समय का उसमें गुणा कराएं
इक्वल टू दूरी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समय का मान ज्ञात करेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो हम ये लिखेंगे, क्योंकि चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर समय पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी क्या है, 480 किलोमीटर। चाल क्या है, हमने एक्स किलोमीटर मानी थी। ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, समय हो गया पहले साथी। अब आगे कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटा वो अधिक समय लेती। यानी अगर हम इसकी चाल 8 घंटे कम कर दें तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर घंटा कम करने पर प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो 8 किलोमीटर घंटा कम करने पर क्या होगा प्यारे साथी, इसकी चाल क्या हो जाएगी। चाल थी पहले एक्स किलोमीटर घंटा, 8 हमने घटा दी, यानी कि एक्स माइनस 8 किलोमीटर घंटा हो जाएगी। अब हम बात करें कि अब कितना समय लगेगा। अगर हम समय की बात करें कि 8 किलोमीटर घंटा कम करने में लगा समय, कम करने पर रेलगाड़ी को लगा समय प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा, एकदम बेहतरीन सा प्रश्न है। तो जब हम कम करेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी हमारी 480 है, चाल हमारी नई वाली एक्स माइनस 8 हो गई, यानी हमें इतना समय लगा। अब आगे ये कह रहा है कि जब ये कम करा जाता है तो उसकी दूरी 3 घंटे अधिक हो लेती है, यानी कि 3 घंटा अधिक समय लगता है पहले की अपेक्षा। यानी हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि अगर हम दोनों का अंतर ज्ञात करें, नियत चाल और जो कम करी गई 8 किलोमीटर घंटा उसके चाल के अंतर का बात करें प्यारे साथी, तो क्या होगा प्रश्न अनुसार कि 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे एक्स हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3, दोनों का अंतर 3 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेहतरीन तरीके से प्यारे साथी, तो इनका इनका एलसीएम ले लीजिए, बस हमें पता चल जाएगा इक्वेशन। एलसीएम लोगी तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर एक्स का इसमें गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस 8x। अब देखिए प्यारे साथी, इसका इसमें जब भाग होगा तो एक्स बचेगा, तो यानी कि यहाँ पर 480x हो जाएगा, माइनस एक्स से ये होगा तो ये एक्स माइनस 8 आएगा, यानी कि 480 एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा, हम 3x गुणा कर सकते हैं, 1 का इसमें और 3 का इसमें हो जाएगा, और इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 का अंदर गुणा हुआ तो क्या हो गया, 480x। और फिर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस था और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का इसमें गुणा कराओगे 480 में तो क्या आएगा, 8 0 0, 8 28 64 के 4 86 ऊपर आई, और 8 4 32 6 38। देखिए फिर से गुणा करके, 8 0 0, 8 4 8 28 64 के 4 86 ऊपर आई, 8 4 32 6 38 बराबर क्या हो जाएगा। अब इस 3 का इसमें गुणा कराओगे तो 3x² माइनस 3 8 24x हो जाएगा पहले साथ ही। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 480x माइनस का 480x आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि अब यहाँ पर देखोगे तो ये आया है 3x² माइनस 24x पेरे साथी, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 3840 इक्वल टू 0, और यही आपका क्या आ गया है, इक्वेशन आ गया है पेरे साथी। एकदम बेहतरीन तरीके से हम सभी ने इसे सॉल्व किया है, और एकदम बहुत ही अच्छा सा प्रश्न हमें प्राप्त हुआ है एकदम अच्छे तरीके से, और यही हमारा इक्वेशन है और यही आपका आंसर है।
पहले साथ ही आप चाहें तो इसे और भी आसान कर सकते हैं, इसे 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ तक भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इसमें 3 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग देने पर ये इक्वेशन और सरल हो जाएगा। और यही आपका बेहतरीन सा आंसर था, और एकदम अच्छे तरीके से हमने ये वाली प्रश्नावली एकदम कंप्लीट कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।